अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आफाक अहमद हूँ और आप देख रहे हैं स्मार्ट बर्ड फार्म। व्यूअर्स, आज का हमारा जो व्लॉग है वो जावा फिंचेस और बाकी तमाम बर्ड्स के मुतालिक ही है तकरीबन, थोड़ा सा क्योंकि फूड के ऊपर है उनके और फूड में यानी कि जो तब्दीलियाँ सर्दी के मुतालिक होती हैं जिसके मुतालिक है। मुझसे असल में कुछ एक दो कमेंट आए थे, वो पूछते थे कि आप अपने परिंदों को झींगा देते हो, यानी कि जो इन दिनों में बहुत सारे लोग देते हैं। अच्छा, इसमें एक बात बताऊं कि मेरे अपने चैनल के ऊपर भी ब्रीडिंग फार्मूला के नाम से एक वीडियो है, वो नीचे आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो मैं इंशाल्लाह मैं यानी कि आपकी मेरे चैनल पे पड़ी हुई हो देख सकते हैं, तो उसमें मैंने पूरा वो प्रोसेस बताया था। तो उसमें कुछ अलग-अलग चीज़ें थी, बहरहाल मैं आज दो चीज़ों को कवर कर रहा हूँ जिसके बारे में सवाल भी आया था और उनका देना इन दिनों में ठीक भी है। ठीक है ना जी, तो एक तो है झींगा, ठीक है ना। अच्छा, ये झींगा ये इस तरह का होता है बिल्कुल बारीक, ठीक है ना। ये इसको आप ले सकते हैं क्या नाम है अम्प्रेस मार्केट से, अचार वाले झींगे के नाम से आप ले सकते हैं, वो लोग अचार में बंगाली लोग इस्तेमाल करते हैं, तो ये वहाँ से मिल जाएगा, ठीक है, अम्प्रेस मार्केट से, ठीक है। और अच्छा, इसी में झींगे के साथ साथ छोटी मछली भी मिल जाती है, इतनी इतनी सी मछलियाँ होती हैं बिल्कुल, ठीक है ना, वो भी खुश्क मछली होती है। तो मेरे पास ये दोनों मिक्स हैं, इसमें मछली भी है और इसमें झींगा भी है, ठीक है। नेक्स्ट इसके अंदर एक चीज़ है ये, ठीक है ना, कोल्ड लिवर ऑयल, ये मछली के तेल हैं, इसके कैप्सूल भी आते हैं आपने देखे होंगे, और ये ऑयल आता है खुला। अच्छा, ये ऑयल पर्पज़ ये मेरे ख्याल में ज़्यादातर तो शायद ये जोड़ों वगैरह के दर्द के लिए इसके लिए आता होगा, बहरहाल हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं यानी कि परिंदों को देने के लिए। इसका देने का इन दिनों में एक फ़ायदा है जावा को ख़ास तौर पे, जैसे आपके पास जावा है और जावा की नोज़ के ऊपर खुश्की हो रही है, तो ये जो कोल्ड लिवर ऑयल होता है ना, ये उस खुश्की को ख़त्म करता है। यानी कि आपने शायद देखा हो एक कैप्सूल आते हैं सेवन सीज़ के नाम से, ठीक है ना, पहले वो इंग्लैंड के आया करते थे, अब तो सुना है कि लोकल कंपनी कोई बना रही है। तो वो जो सेवन सीज़ कैप्सूल थे ना, वो उसका इस्तेमाल यही था कि आपको दायमी को पुराना नज़ला हो, आपके बाल सफ़ेद हो रहे हों और नाखूनों के अंदर किसी की तरह की फंगस हो, जेल्स का कोई प्रॉब्लम हो, इसके लिए वो यानी कि कैप्सूल जो लोग खाते हैं, सही है। तो ये भी मछली का तेल का कैप्सूल है, एक तेल है, तो ये भी ये असर करता है इसी तरह का, जैसे जावा में जो फंगस हो जाती है उसको ख़त्म करता है ये। तो ये आप दाने के ऊपर यानी कि आप एक चम्मच यानी कि टीस्पून तीन चार किलो दाने के अंदर उसमें आप मिला के अच्छे तरीके से बाजरे में मिला दें आप, वो जज्ब हो जाएगा कुछ टाइम के बाद, उसके बाद फिर आप इसको यानी कि आप रख सकते हैं दाना अपने परिंदों को डाल दें, ये इसको फ़ायदा करता है परिंदों को। अच्छा, ये देना गर्मियों में है, सर्दियों में है, गर्मियों में नहीं देना, गर्म होता है तो ये आप सर्दियों सर्दियों इस्तेमाल करें। अच्छा, फिर एक चीज़ और भी होती है कि सिर्फ सर्दियों के जो महीने होते हैं ना तीन चार, इन दिनों में ही खुश्की हो रही होती है परिंदों को, क्योंकि इसमें थोड़ा सा हम लोग उनको नहाने का पानी भी कम देते हैं ठंड की वजह से, और उसमें मौसम भी ज़्यादा खुश्क होता है, तो इस मौसम में ज़्यादा खुश्की होती है जावा को, बाकी परिंदों को इतनी ज़्यादा नहीं होती। बहरहाल बाकी परिंदों को भी आप दे सकते हैं, उनके परों के लिए, उनकी यूँ समझ लो कि जेल्द के लिए बड़ा बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, ठीक है, अंडों की फर्टिलिटी के अंदर, अंडों की मजबूती के अंदर भी बड़ा फ़ायदा करता है ये। अच्छा, झींगा दूसरा जो हमारा वो है, झींगे के बारे में आपको बता दूँ, झींगे के देने का दो तीन पर्पस हैं। लोग जो जावा को देते हैं वो कहते हैं कि भाई जावा जो है कीड़े खाने वाला बर्ड है, तो हम अब कीड़े तो यहाँ पर अवेलेबल नहीं होते पाकिस्तान में आसानी से, तो हम उसकी जगह झींगा इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये भी एक तरह का कीड़ा होता है और ये पानी में होता है, तो बोला हम ये इस्तेमाल कर लेते हैं, किसी हद तक मैं कहता हूँ ठीक है, पर लोग दे रहे हैं, कोई ऐसा नुकसान भी नहीं होता। तो अब मैं बहरहाल नहीं दे रहा, और मैं इसका रीज़न आपको आखिर में बतलाऊँगा कि मैं ये झींगा इस वक्त क्यों नहीं दे रहा हूँ, ठीक है ना, जावा को नहीं दे रहा हूँ, बाकी बर्ड्स को मैं दे देता हूँ कभी कभी, यानी कि जैसे रिंगनेक हो गया या डव हो गई, उनको मैं दे देता हूँ अब। अच्छा, इसका यानी कि झींगे का यानी कि जो नेमुल बदल, लोग कहते हैं कि कीड़ों का नेमुल बदल है ये। अच्छा, कीड़े बनाने का एक प्रोसेस होता है आपको पता होगा, वो खल के अंदर पानी डालते हैं, चीनी डालते हैं, उसको रख देते हैं, वो दो तीन दिन के बाद उसके अंदर कीड़े पड़ जाते हैं। अच्छा, वो कीड़े फिर लोग जावा को भी देते हैं, तीतर वगैरह दूसरे परिंदों को भी दिया जाता है, वो जो लंबी चोंच वाले मैंने देखा जो अक्सर परिंदे हैं ना, वो कीड़े बड़े शौक से खाते हैं, उसमें मुर्गी हो गई, फाख्ता हो गई, और क्या कहते हैं जावा फिंची ये हो गई, ये खाती हैं, ठीक है, तो इन परिंदों को देते हैं और ये वो कहते हैं बहुत फ़ायदा करते हैं, बड़ा प्रोटीन होता है उनके अंदर,
तो इसके ऊपर इंशाल्लाह कभी हम व्लॉग करेंगे, आपको बना के भी बताएंगे कीड़े किस तरीके से बनाए जाते हैं, ठीक है ना, और इसके ऊपर पूरी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करके इंशाल्लाह वीडियो बनाएंगे, सही है। तो विवस ये दोनों का मैंने आपको बता दिया कि लोग यदि किस तरह देते हैं, क्यों देते हैं। अच्छा, झींगे के बारे में मैंने ये भी सुना है कि लोग कहते हैं कि भाई जावा को ख़ास तौर पे आप अंडा, झींगा और चावल, ये दो तीन चीज़ें ऐसी हैं कि आप रेगुलर देते रहो ना इसको, तो ये इसी के ऊपर जो है ना पल सकता है। चावल इसकी राइस जो है ये इसकी बेसिक ग़िज़ा है, यानी इसको राइस बर्ड भी कहते हैं, ठीक है ना। बाकी ये कीड़े वगैरह खाता है उसके यानी कि नेमल बदल में आप इसको दे रहे हैं झींगे। अच्छा, ये होता भी जो है ना, ये रेन फॉरेस्ट जहाँ पे तालाब वगैरह होते हैं ना, पानी खड़ा रहता है, ऐसे इलाकों के परिंदे होते हैं ये, जो जो फिंचीज होते हैं, ठीक है, ऐसी जगहों पर रहते हैं, मैदानी और तालाब वाली जगहों के ऊपर, ठीक है। तो यानी कि दोनों ये चीज़ें, और अंडा जो हो गया, अंडा वैसे भी आपको पता है उसको कहते हैं ज़ूद हज़म ग़िज़ा, यानी कि वो गर्मियों में खाएं सर्दियों में खाएं वो नुकसान नहीं देती। अंडे का साथ जैसे कैल्शियम पाउडर वगैरह में डाल के दे देता था, उसका वाकई फ़ायदा होता है। मैं लेकिन वो वही बात है कि मैं थोड़ा सा अब दूसरे विटामिन दे रहा हूँ, तो मैंने उसको थोड़ा सा निगलेक्ट किया हुआ, थोड़ा पीछे किया हुआ है। तो क्योंकि जो हम मल्टी विटामिन दे रहे होते हैं ना, जैसे वीटासोल हो गया या मिलिएक की मैंने विटामिन बताए, इसके अंदर ये सारी चीज़ें होती हैं जो हम इनको जो हम झींगा या कोल्ड आयल से या इन चीज़ों से दे रहे होते हैं, वो सारी चीज़ें उसके अंदर होती हैं। तो अगर आप यानी कि उस पैटर्न पे चल रहे हैं कि आप मेडिसिन या केमिकल ये इस तरह के उससे आप बच रहे हैं और आप ये लगाना चाहते हैं, तो ये भी ठीक है, लेकिन इसका कोई शेड्यूल आप अच्छे तरीके से बना पाओ, ठीक है। वरना दूसरी सूरत में ये जो अपने विटासोल और ये अपना मिलिएक के विटामिन आ रहे हैं, ये इस तरह यानी कि परफेक्ट होते हैं कि ये परिंदों के लिए बने हुए हैं और इनके अंदर मिकदार, हर चीज़ की मिकदार मुनासिब है, यानी कि जितनी परिंदे को चाहिए होती है उतनी है। फिर इसके ऊपर लिखा हुआ भी होता है कि आपने कितने पानी के अंदर कितने ग्राम दवाई ये इनके ये विटामिन मिक्स करना है। तो इसमें ये होता है कि आपको परफेक्ट जितना आपको देना होता है परिंदे को उतना दिया ही जाता है, ठीक है। तो यानी कि दोनों तरीक़ेकार मैं समझता हूँ कि ठीक है, यानी कि आप वो खुश ग़िज़ा भी दे सकते हैं, लेकिन उसके अंदर आपका शेड्यूल अच्छा बना हो, आपको पता है किस मिकदार में कितना देना है। ये पानी देखें, जब हम पानी पर लगाते हैं विटामिन, तो पानी तकरीबन सब परिंदों ने पीना होता है, ठीक है ना। फिर इसकी मिकदार बड़ी मुनासिब होती है, बच्चे पी लें बड़े पी लें तो वो नुकसान नहीं देता। लेकिन मुझे ऐसा लगता है, मुझे कुछ लोगों ने मना भी किया कि भाई जैसे झींगा हो गया या कोल्ड लिवर आयल हो गया, ये पट्ठों को नुकसान दे जाता है, जो आपके पास पेट में पट्ठे निकल रहे हैं उनको नुकसान देता है। तो मैंने इस वजह से इसको थोड़ा कम कर दिया था, मैं अब इतना ज़्यादा कभी कभी दे देता हूँ। अंडा, अंडे का तो मसला नहीं, अंडा तो आप दे दें, अंडा तो बच्चों के लिए भी बहुत बेहतरीन है। अंडा हो गया, भुट्टा हो गया, ये चीज़ें तो बच्चों के लिए ज़बरदस्त हैं, इनकी ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होता है जो पट्ठे होते हैं, तो ये चीज़ें आप दे सकते हैं। बस कोल्ड लिवर आयल और झींगा ये थोड़ा सा इसको सोच समझ के देना चाहिए, यानी कि ज़रा हिसाब किताब में ये बहुत ज़्यादा नहीं दें ताकि कोई नुकसान ना हो जाए परिंदों को, ठीक है व्यूअर्स। तो ये आज का हमारा व्लॉग था, इंशाल्लाह इसके अंदर दो तीन चीज़ें और रह गई हैं जो मैंने यानी कि विटामिन के तौर पर ये फार्मूला विटामिन और ये ब्रीडिंग फार्मूले के तौर पर मैंने पहले एक दफ़ा वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने और ऐड की थी, इंशाल्लाह उनके ऊपर एक अलग से व्लॉग करेंगे। वो दो तीन चीज़ें और हैं, वो इसमें कवर करना मुश्किल हो जाता, वो ज़्यादा लंबा हो जाता व्लॉग, तो इसलिए मैंने वो चीज़ें भी छोड़ दी हैं। इंशाल्लाह वो नेक्स्ट व्लॉग में या आगे कभी उसके बारे में मैं आपको बतलाऊँगा। तो अभी बस ये आज का व्लॉग था, और अगर यदि ये वीडियो पसंद आए तो भाई इसको लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस रोज़ बरोज़ मिलती रहें, ठीक है जी। इसके साथ इजाज़त चाहूँगा, अल्लाह हाफिज़।